एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, दोनों शैतान शैतानी करने पर लगे हुए हैं। गीता ऋषि अपने काम में लगी पड़ी हैं और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और ऐसा लग रहा है मेरी जो ज्वेलरी की वीडियो गई है आपके पास में, मतलब वो पायल का कलेक्शन है, तो शायद ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं आई। मैंने रिक्वेस्ट पर ही वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाइए, और दोबारा से रिक्वेस्ट आई है। लेकिन जब जिस तरीके से व्यूज आते हैं तो फिर लगता है कि उसके ऊपर बनाना तो बेकार ही है, क्योंकि जो दो चार लोग हैं वही देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। आप देख सकते हो उस पर व्यूज इतने कम आए, बहुत कम, बहुत लोगों ने नहीं पसंद किए। और दोनों यहीं पर लगे हुए हैं, ये देखो। अब मैं रूम में जाकर के वीडियो नहीं बनाई है मैंने कि चलिए यहीं पे बना लेती हूँ, क्योंकि इस बहाने आप लोगों को गीता को सबको देखने का भी मौका मिल जाता है। सब लोग बोलते हैं कि दीदी सबको दिखाओ, तो चलिए दिखाती हूँ कौन क्या क्या काम में लगा है। और आजकल मैं लगी हुई हूँ रेस्ट पे, मगर रेस्ट करके अच्छा सा नहीं लग रहा है। ये लग रहा है मैं जल्दी से फटाफट ठीक हो जाऊँ। ऐसे तो ठीक हूँ बिल्कुल, तबीयत बुखार वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ वीकनेस है जरा सा भी कुछ। ऐसे कोशिश भी करती हूँ तो थकान महसूस होने लगती है, इसलिए कोई काम नहीं कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि एक महीना हो गया, 21 अप्रैल को मैं पहली बार बुखार मुझे आया था, और आज 22 हो गई मई, तो इस चक्कर में एक महीने से मैं बिस्तर में ही पड़ी हूँ। बीच में हाँ 10 दिन के लिए थोड़ा सा अच्छा लगा था, फिर दोबारा से, तो इस वजह से कुछ काम नहीं कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो थकान से फिर से दिक्कत हो जाए। प्रॉपर रेस्ट पर ही रहूँगी मैं। और ईशु गीता दोनों, वैसे तो इस गीता ही करती है, कि ईशु ने थोड़ा सा आज ये था कि चलो बर्तन वर्तन में कर देती हूँ, नहीं तो सारा काम रोज ही इस गीता अकेली कर लेती है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, फुल रेस्ट पर हूँ। और जब गीता गांव चली जाएगी अब उसके बाद में फिर मुझे ही अकेले सारा काम करना पड़ेगा। और हाँ सच बताऊँ, बहुत लोग मतलब पहले भी कमेंट आते थे कि आप अपनी बहुरानी को नहीं दिखाते हो, बहुरानी। अच्छा गीता से सुनवाती हूँ आज गीता ही। देखो गीता बताएगी अपने आप ही, गीता को मेरी कौन बताते, भाभी तो बताते नहीं, कौन बताते गीता? सास लोग बताते दोनों को। देख लिया, पार्क में हम लोग जाते थे ना, तो जैसे गन्नू पिंकू साथ में जाएंगे तो तुरंत ही कोई भी लेडी जैसे पार्क में घूमती रहती है जो नहीं जानती है, लेकिन समझ में नहीं आता, लोग सोच के तो बोलते नहीं, कि बोलते अच्छा आपके बहू और पोती पोते हैं मतलब ये मेरे की नहीं बहू नहीं पोत बहू है ये, और मैं क्या पड़पोते मेरे की, मैं इतनी एज की हो गई है, दोनों पड़पोते हैं मेरे। और जब ये था ना, ये क्या क्या करें, गन्नू गीता के जब प्रेग्नेंट थी तो मैं डॉक्टर के पास ले जाती थी, वो डॉक्टर नहीं भी यही बोलती आपकी बहू है ये, मैंने कहा हाँ ये मेरी बहू है। तो अब कुछ दिनों में हमारी बहूरानी जाएगी अपने ससुराल, तो उसके बाद में, और सच्ची बताऊँ आगे वीडियो में बताती रहूँगी, बड़ी अच्छी खुशखबरी आने वाली है, गीता ही आपको बताएगी, किसी दिन गीता की जुबानी ही सुनवाऊंगी। तो चलिए बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, मैं आगे दिखाती हूँ वीडियो। रहने दो, क्या सोचेगी? ये रहने दो, पता नहीं जनता क्या सोचेगी। नहीं सच्ची में खुशखबरी आने वाली है जो गीता खुद ही बताएगी कुछ दिनों में आपको। गौर से देखिए गीता को, किसका मसाला? सांबर वाला, सांबर वाला इसमें रखते हैं, इसके सांबर का जो पैकेट ना मसाले वाला, ऐसे कर ले। गौर से देखिए आज, हर बार में गौर से देखिए आज कहूँ गीता बीच में पहुंच जाती है। हाँ इसे फेंक दे, चल फेंक दे फेंक दे फेंक दे, जो चीज ऐसे दिख रहा हो कि नहीं यूज होगी वो फेंक दे, चल उसे भी फेंक दे, तू सब फेंक दे। और यहाँ मेरे बाल देखो ऐसे उतल पुतल हो रखे हैं, क्योंकि मैं आराम कर रही थी, फिर मुझे याद आया गीता फ्रिज साफ कर रही है, चलिए वीडियो बना लेते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए गौर से गीता, गन्नू बेचैन हो रहा है, इससे बात कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? साफ साफ ठीक हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय। और उधर आपको दिख ही रहा था, मैंने दिखाया है, देखो ईशु बर्तन साफ कर रही है, कि थोड़ा सा मामी का काम हल्का हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा काम है, मम्मी तो आजकल कुछ करती नहीं, हल्का फुल्का सा ही कुछ कर लिया तो। और उधर गीता लगी हुई है साफ सफाई में, आज अच्छे से कोने कोने को गीता चमकाने वाली है, मशीन लगा के चादरें तीनों बेड की धो दी हैं, सोफे के जो तकिया कवर हैं वो भी साफ हो गए हैं, धो दिए हैं मतलब सभी कवर। गीता हेलो। आज गीता की हो रही है फ्रिज की सफाई,
कुछ कुछ नेल पॉलिश ऐसी है जो बिल्कुल सूखी पड़ी है, वो भी रखी हुई थी, सब फेंक देगी आज ही था। बच्चे सच्ची बताऊँ कुछ ना कुछ डेली का गिराते रहते हैं और इसे साफ फ्रिज को रहने नहीं देते। दो दिन करो, तीसरे दिन फिर देख लेना ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि सारे दिन खोलते ही रहेंगे इसको। इसमें जामुन तो रख लेना एक, उसमें जामुन लोटे में से, लोटे में से कौन भाभी? अच्छा जो सूखी है वो चले फेंक दिए, तो जो सूखी है उन्हें फेंक देना। और इसकी हाँ, ज़्यादातर वीडियो वायरल हो रही है कि जो जिसकी फ्रिज की रबड़ पे काला काला फंगस लगा है वही ब्लैक फंगस है। तो आप देख लीजिएगा, हमारे फ्रिज की रबड़ पे तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन अगर किसी की लगा है तो वो रेड, वो सॉरी ब्लैक फंगस है, उसे साफ करें। रेड नहीं ब्लैक, और गीता ने और पढ़ा है कहीं पर वाइट फंगस भी आ रहा है। इस बार तो सच्ची में देखी जाएगी है। थोड़ा जोर से बोलेगा ना वीडियो में, जो किसी को आवाज़ भी जाए, सब जो कहेंगी था कि मुंह तो खोले कि अब पता चले कि हाँ बात कर रही है, लेकिन आवाज़ आती नहीं बिल्कुल भी है। मैं वही तो कह रही हूँ कि उसकी आवाज़ तो आती नहीं बिल्कुल भी। अब गीता एक माइक दूंगी ला करके, उसमें साफ आवाज़ लगाए करेगी गीता, फिर अच्छे से सबको क्लियर आएगी है। आज देखो दोनों मामी भांजी कैसे घर की एकदम साफ सफाई के उसमें लगी पड़ी हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक फ्राई पैन चढ़ाया हुआ है, उसमें तेल डाल दिया है, गर्म होने के बाद जीरा और हींग डाली है, और आज मैं यहाँ बना रही हूँ केले की सब्जी, कच्चे केले की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज की प्याज थी और एक छोटी, उसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है, और इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसको हम भूनेंगे। और कच्चे केले काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, कैल्शियम वगैरह बहुत होती है, तो उसकी सब्ज़ी खानी चाहिए। तो यहाँ मैंने एक ही टमाटर और हरी मिर्ची को भी कट करके इसमें डाल दिया, नमक डाल के इनको गलने के लिए छोड़ूंगी। और यहाँ देख सकते हो आज मैंने प्याज मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, आज मैं सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली सब्जियां नहीं चल रही हैं, तो इस तरीके से नॉर्मल ही, क्योंकि मैंने काफ़ी बार वैसे आपके साथ में जो अच्छे से बनाते हैं ना ग्रेवी वगैरह बना के वो भी शेयर की है, लेकिन आज मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाई है। इधर मैं केले कट कर रही हूँ, क्योंकि केले को हम पहले से कट करके नहीं रख सकते, नहीं तो वो आपको पता ही सबको काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ मेरे 3-4 केले थे कच्चे, तो उन्हीं को कट करके, और उधर मेरा मसाला भी भुन जाएगा इतनी देर में, मेरे ये केले कट जाएंगे। यहाँ देखिए अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, थोड़ी मैंने कलर वाली मिर्ची भी डाली है इसमें, बस इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसको भुनने के बाद में फिर हम इसमें करेले आ रहे हैं, बार बार केले ऐड कर देंगे, क्योंकि केले करेले एक ही जैसा हो रहा है ना, तो इस वजह से गलती से करेला निकल जा रहा है मुँह से, केले को ऐड कर देंगे। और यहाँ देखिए मैंने केले ऐड कर दिया, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और केले में ना सब्जी बनाते हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि ये बहुत जल्दी एकदम सूखी सूखी सी बन जाती है। तो यहाँ मैं करीबन एक गिलास पानी इसमें ऐड करके और ढक के रख दूँगी इसे, और उसके बाद देखिए यहाँ हमारी सब्जी बनके लगभग हो गई है रेडी। कलर आपको यहाँ थोड़ा सा ऐसे पीला दिख रहा है, नहीं तो टेस्ट में बहुत अच्छी बनी थी। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया, उसके बाद देखिए सब्जी हमारी बहुत अच्छी है, एकदम टेस्टी बनी है। और एक गिलास पानी डालने के बावजूद भी देखिए बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि करी वाली बनी है। यहाँ पे मशीन लगाई हुई थी, तो बस यहाँ पे मैंने कि ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये जो तकिया कवर वगैरह कुशन कवर इनको मैं चेंज करके कवर चढ़ा देती हूँ, बैठ के ऐसा हल्का हल्का काम कर देती हूँ। और ये दोनों शैतान खेलने में लगे हुए, इनकी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इनको चेंज करके, क्योंकि गीता और ईशु और बाकी काम में लगी थी, मैं चलिए मैं थोड़ा सा ये काम हल्का हल्का सा निपटा देती हूँ, तो बस यहाँ कुशन कवर चढ़ा दूँगी मैं। अच्छा आप लोगों ने देखा ही है, गीता से बातचीत हुई मेरी, तो आप लोग भी कहते हैं ना कि दीदी आपके भतीजे और वो सब, तो सच बताऊँ आप लोगों को किस किस को कन्फ्यूजन थी कि गीता बहू है और पोती पोते, मुझे पहले कमेंट भी बहुत सारे आए थे। तो आप लोग भी मिल लीजिए मेरे बहू और पोतों से, दोनों से। और यहाँ दिखा रही हूँ आज मैं भाभी का किचन गार्डन, तो यहाँ देखिए मिर्ची का पेड़, तो ये काफ़ी बड़ा है पहले का ही है। उसके बाद में भाभी ने इस बार काफ़ी भिंडी लगाई है, जो कि आगे भैया भाभी आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से उगाएँ। यहाँ पे और दोबारा बीज लगाएँ, जो कि छोटे छोटे आप देख रहे हैं, दो दो पत्ते के ये भिंडी उग रही हैं, और इस तरीके से उन्होंने
कट्टे में मिट्टी भर के अरे यहाँ पर लगाए हुए हैं, यहाँ पर देखिए तो। और पहले की दो तीन पेड़ बचे थे तो यहाँ पे एक भिंडी लगी है, मैं उसको तोड़ लूंगी क्योंकि भाभी बोल रही थी कि आपके घर में भिंडी अभी रखी है तो एक कैसे क्या करेंगे, तो आप ही बना लेना साथ में। यहाँ पुदीना लगाया हुआ है, उधर पालक भी लगाया हुआ है जो मैंने पहले पालक पनीर एक बार बनाया था तो भाभी कहीं से। यहाँ एक छोटा सा पेड़ देखे ओके आ रहा था बाहर को, तो उसको भी दिखा रही मैं आपको। आगे भी बने रहना, मैंने भाभी और भैया से भी बात करवाई है, उन्होंने बताया है अपनी खेती के बारे में आप लोगों को डिटेल में अच्छे से। यहाँ भाभी ने ये नेट ही लगाया हुआ है जो मैंने पहले भी एक बार शेयर किया आपके साथ में। इस बार पता नहीं क्यों यहाँ पे देखिए बेल भी इतनी छोटी छोटी सी हुई है, नहीं तो पिछले बार तो इन दिनों में पेठा लगा हुआ था। एक मिर्ची का ये पेड़ है, इस पर कुछ मिर्ची लगी है, कुछ भाभी ने यहाँ पर तोड़ लिए इस पर से। देखो हम आ गए 6 बजे भाभी की छत पर और यहाँ पे भाभी भी बैठी हैं। भाभी से पूछेंगे इस बार इतना किचन गार्डन खाली खाली सा क्यों है। और यहाँ पे गन्नू पिंकू लगे हैं साइकिल चलाने में दोनों जने, ये लग रहे देखो पूरी मस्ती में है। और यहाँ भैया बैठे हैं, भाभी है और गीता, गीता लगी पड़ी अपने फोन में। चलो हाँ भाभी बताओ आज इस बार तुम्हारा किचन गार्डन इतना सूना सूना सा क्यों लग रहा है और इस टाइम पे हो रहा है पता है, शाम के बज रहे हैं कितने, 6 बज रहे हैं ना इस बार, 6 बज रहे हैं। अच्छा तुम, अरे मेरे पैर पे साइकिल चढ़ा दी, देख 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 लग जाएगी चोट, मान जाओ। अच्छा दोनों बताओ इस बार तुम्हारी खेती इतनी सूनी सूनी सी क्यों लग रही है, कोरोना चल रहा है। ये कोरोना ठहर गया, तुम्हारी टी-शर्ट वैसे तो ऐसी दिख रही है, इसमें अलग कलर की आ रही है। भिंडी के बीज इतने पिछाए क्यों बोए हैं तुमने, भिंडी अब तक लग जा एक दो पेड़ पर तो ये लगी पड़ी है। ये तुम्हारे लिए हम 4-5 पेड़ लगाए हैं, भिंडी ये तीसरी बार लगाई गई है। अच्छा पहली बार में 4-5 पेड़ हो पाए, ये जो भिंडी देख रहे हो ये उसी का फल है। सेकंड टाइम में लगाई तो कुछ सफलता मिली, थर्ड टाइम में लगाई है तो इस बार सभी के सभी पेड़ आ गए हैं। शायद हमारा पहला बीज खराब आ गया, शायद हमारा पहला बीज खराब आ गया हो सकता है। और इस बार हमने जो है ना तोरी और पेठा अच्छा चकई ये सब ऑफिस पर बो दिए हैं। अच्छा इसलिए यहाँ कम लगाए, ऑफिस पर बो दिए हैं इसलिए यहाँ नहीं लगाए, बड़े अच्छे फल लग रहे हैं। हाँ बैंगन तो बहुत बार आए, इस बार उब गए बैंगन खा खा के, हमें इतना बैंगन आया है। किचन गार्डन में बड़ा मुश्किल है इस तरह की बेल वगैरह को उगाना जो है। हाँ गमलों में थोड़ा सा दिक्कत रही है, गमले में बड़ा मुश्किल है उनको, इतना इतनी पोस्ट वो नहीं मिलती है। हाँ नहीं पिछले बार एकदम बहुत अच्छे हुए थे, भिंडी वगैरह भी खूब अच्छा बढ़िया, भिंडी तो इस बार भी हो जाएंगी, भिंडी इस बार बहुत बढ़िया होगी। कुछ दिनों बाद नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कितनी बढ़िया हमारी लहलाती भिंडियाँ मिलेंगी आपको। हाँ तो अब आपने देख आप सभी आना भिंडियाँ एकदम, आपको इतनी मसालेदार भिंडी बनवा के खिलवाऊंगा ना, मेरी मैडम जो है ना इतनी बढ़िया भिंडी खिलाएगी आपको, सच बता रहे खाते रह जाओगे, एक बार चले आना आप। नहीं भिंडी दो प्याजा, तो आप लोगों ने सुना भैया की जवानी उनकी खेती के बारे में, भैया की जवानी खेती की कहानी। सच में इस बार बहुत बार बीज लगाए नहीं हुए, इस बार लगाए, बारिश वारिश हुई अच्छा मौसम रहा है तो इस बार उगे सारे हो जाएंगे। इस बार तो ग्रीन नेट भी लगाया हमने इसलिए नहीं हुए, ग्रीन नेट लगाया हाँ हो सकता है इस वजह से हुए नहीं है। और छत पे आ गए, मौसम बाहर का बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा, अभी तो धूप है थोड़ी सी लेकिन वैसे अच्छा लग रहा है। देख दोनों सच में कितना शोर मचाते हैं ये गन्नू, गन्नू ऐसे नहीं करते, आसमान भी वैसे बारिश होने के बाद एकदम साफ हो गया है, जरा सा भी अरे वहाँ कुर्सी में घुसोगे, इधर तो चलो पकड़ ले। मैं
सही पकड़ रहा है, बता दिया लड़का रुआ दिया।